जिसे देखकर गुरुवर भाग रहे थे। भाग नहीं रहे थे, भगा रहे थे। यही तो थी हमारी योजना कि हम इसे भगाएं, भगाएं, भगाएं और यहाँ फंसाएं। महाराज, हमने अपने कौशल से इसे पकड़ लिया। यही है वो दुष्ट आत्मा जो कभी बाघ और कभी आदि मानव का रूप बदल लेता है। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। आपने अत्यंत साहस का प्रदर्शन किया है। आपने ना केवल हम पर अपितु मरीपट्टी की प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार किया। गुरुजी, आपने तो चमत्कार कर दिया। बुढ़े पे की नहीं होता। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। महाराज की जय हो। आचार्य, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो बड़े चिंतित थे, आखिर ये दुष्ट प्राणी पकड़ा ही गया। मंत्रीवर, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा। आपने? हाँ, हमने, और किसने। हम चाहते तो पहले दिन इसे पकड़ लेते, परंतु नहीं, हम इसका उद्धार करना चाहते थे। पूरी रात इसके समक्ष बैठे रहे, इसे समझाते रहे कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे पशुवृत्ति, छोड़ दे, पर नहीं माना। अंततः अपने मंत्रों की शक्ति से हमें इसे वश में करना पड़ा। अद्भुत गुरुदेव, आप तो चमत्कारी हैं। हाँ, वो तो है महाराज। अब भय की कोई आवश्यकता नहीं, आपका अपराधी आपके समक्ष खड़ा है। तत्काल, अभी, इसी समय इसका वध कर दीजिए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों पंडित रामकृष्ण, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि महाराज, जिसने लोगों का भक्षण किया है वो एक नरभक्षी है। इसे पहले बाघ के रूप में परिवर्तित होने का अवसर देना चाहिए, उसके बाद ही इसे दंड देना उचित होगा। क्यों पंडित रामकृष्ण, आप इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? प्रयोजन क्या है आपका? गुरुवर, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु महाराज, यदि इसे बाघ के रूप में परिवर्तित होने के बाद ही मृत्युदंड दिया जाए तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये वही नरभक्षी है, और फिर सारी कथाओं का अंत भी हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, आपके कथन का तात्पर्य क्या है? आपको क्या लगता है, हम मिथ्याभाषी? हमारे कथन पर आपको विश्वास नहीं? हमने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर इसे पकड़ा है और आप सबको भयमुक्त किया है। मेरा ऐसा तात्पर्य कदापि नहीं है गुरुवर, मैं तो केवल ये कह रहा था कि यदि लखन्ना और सभी ग्रामवासियों का भ्रम दूर हो जाए तो इसमें अहित क्या है, और फिर हमें एक मनुष्य को बाघ के रूप में परिवर्तित होते देखने का अद्भुत अवसर मिलेगा, हम इसे कैसे खो दें? महाराज, हमें लगता है कि पंडित रामकृष्ण के कथन में सत्यता है, क्यों ना हम इस आदि मानव को बाघ में परिवर्तित होता हुआ देखें? हाँ, और यदि इसने अपना रूप नहीं बदला तो? परिवर्तित नहीं हुआ तब क्या करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना महाराज, गुरुवर ने स्वयं अपने नेत्रों से यह अद्भुत चमत्कार देखा है। क्यों गुरुवर, देखा है ना? अवश्य अवश्य, हमने देखा है महाराज। अवश्य कह रहे हैं। तो ठीक है, सादी मानव को बाघ में परिवर्तित होने का एक अवसर हम अवश्य देंगे। जैसे ही ये परिवर्तित हो जाएगा, इसका वध कर दिया जाएगा, और उसके पश्चात हम सभी पुनः विजयनगर लौट जाएंगे। मंत्रीवर, महाराज, आप ये शुभ समाचार लेकर जाइए, शीघ्र जाइए, और लखन्ना एवं समस्त ग्रामवासियों को आदेश दीजिए जो यहाँ पर उपस्थित हो जाए, और उन्हें सूचित कीजिए कि नरभक्षी बंदी बना लिया गया है, और एक बार जब ये बाघ का रूप धारण कर लेगा तो सभी के समक्ष इसके प्राण हर लिए जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
शांत रहो, प्रतीक्षा करो कुछ समय। उसका उद्धार कीजिए, जाकर उस पर मंत्र फूंक दीजिए। वो तत्काल ही बाघ में परिवर्तित हो जाएगा और आपके चरणों में आकर बैठ जाएगा। हे भगवान, आप क्यों हमारे प्राणों के पीछे पड़ी हैं? आपके नहीं स्वामी, बाघ के। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसे देख रहे हैं, हमें देखने दीजिए। ये आदि मानव कब अपना रूप बदलकर बाघ में परिवर्तित होगा? हम कितने समय से बाहर बैठे हैं, अब तो हमें निद्रा भी आने लगी है। अब ये कैसे कहा जा सकता है महारानी तिरुमलम्बा कि ये बाघ में कब परिवर्तित होगा? केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। तब तक हम सबके लिए नीम का शरबत बनाकर लाते हैं। शांत, धैर्य रखे, आप सब धैर्य रखे। अभी थोड़ी देर में वो रूप परिवर्तित करेगा। गुरुवर, आपने देखा है ना स्वयं अपनी आंखों से? हाँ, तो नीम के शरबत की आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर ही वो रूप परिवर्तित कर लेगा। आप बैठ जाइए। जी स्वामी। ये जहाँ वही मारा ये धुएं की दुर्गंध, जैसे कुछ जल रहा हो। मंत्री जी। महाराज, शीघ्र जाइए और पता लगाइए क्या जल रहा है। जी महाराज, ये आग हमारे सैनिकों ने ही लगाई। हमारे सैनिकों ने? क्यों? हमने ही सैनिकों से कहा था कि यदि बाघ आए तो आग प्रज्वलित की जाए, जिससे कि वो बाघ भाग जाए। क्या आपको ज्ञात नहीं कि हम यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हुए हैं? जी महाराज, बाघ को पकड़ने के लिए। तो फिर आप बाघ को भगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? वो महाराज, हमने इस विषय में विचार ही नहीं किया, क्षमा चाहते हैं महाराज। विचार विमर्श बाद में कीजिएगा, सर्वप्रथम आप उस बात को अर्थात उस आग को बुझाने की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा पूरा वन जल जाएगा। जाइए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, चलो हमारे साथ। बाघ पकड़ा गया महाराज। बाघ अभी तो आदि मानव ने तो अपना रूप बदला नहीं। बदल लिया गुरुवर। कहाँ बदला? ध्यान यहाँ नहीं, वहां दीजिए। पंडित रामा कृष्णा, ये क्या उपहास कर रहे हैं आप? ये तो लखन्ना है। कुछ समय दीजिए गुरुवर, अभी स्थिति स्पष्ट करता हूं। मुक्त किया जाए इन्हें। महाराज, किस प्रकार का उपहास किया जा रहा हमारे साथ? मुझे बताया गया है कि बाघ पकड़ा गया और मुझे बुलाकर यहाँ
जाल में कैद कर लिया गया किसी जानवर की तरह। हमारे तो साथियों के पैर भी घायल हो गए महाराज। महाराज, जिस बाग की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो यही है, और जो आतंक मचाया गया है वो इन्होंने ही मचाया। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, हम वैसे ही बाग के आतंक से परेशान हैं और आप? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, ये भोले भाले ग्रामवासी हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप इन्हें बाघ कैसे बता सकते हैं? गुरुवर, मुझे सारी बात समझाने का अवसर तो दें। क्या क्या समझाएंगे आप, कि ये सभी बाघ हैं? गुरुवर, मुझे सारा प्रकरण अच्छे से समझाने तो दीजिए। समझाइए समझाइए, क्या समझाना चाहते हैं आप? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण को अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर तो दीजिए। कहिए पंडित रामकृष्ण, क्यों पकड़ा है आपने इन सभी को? मैंने कहा पकड़ा प्रभु, पकड़ा तो आपने है। हमने पकड़ा है? जी महाराज, ये सारा चमत्कार आपके उस बाण का है जो आपने उस रात बाघ पर चलाया था। हमारे बाण से पंडित रामकृष्ण। पंडित, आप जो भी कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से कहिए। जी महाराज। महाराज, मैं उस स्थान पर गया जहां आपने अपने बाण से उस बाघ को घायल किया था, ताकि इस बात की पुष्टि कर सकूं कि उस बाघ का रहस्य है क्या। जांच पड़ताल के बाद मुझे वहां एक मनुष्य की कटी हुई उंगली मिली। महाराज, वहां जो कुछ भी घटित हुआ वो आपके बाण से ही हुआ, क्योंकि वहां रक्त भी प्राप्त हुआ। आपने बाण चलाया बाघ को घायल करने के लिए, किंतु वहां उंगली मिली एक मनुष्य की। हो सकता है कदाचित वो उंगली इनमें से ही किसी की हो। पहले तो मैं बहुत भयभीत हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं बाघ से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होने वाली कथा सत्य तो नहीं। तत्पश्चात मैं राज नर्तकी सौदामिनी जी के शिविर की ओर पहुंचा और वहां मुझे बाघ की एक पूंछ मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ महाराज कि संभवतः वो नरभक्षी नहीं है। और फिर जब गुरुदेव ने इस आदि मानव को पकड़ लिया तो मेरी आशंका और गहरी हो गई कि ये दुष्ट प्राणी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कोई भयानक शैतान होता तो गुरुवर का यूं बचकर भाग पाना संभव नहीं होता। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामकृष्ण, क्या आपको हमारी मंत्रों की शक्ति के बारे में विदित नहीं? ज्ञात है गुरुवर, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे शैतान के चंगुल से बच पाना आसान नहीं होता। वो तो आपको मंत्रोच्चारण का समय भी उपलब्ध नहीं होने देता। आपने पकड़ा अवश्य, किंतु एक मनुष्य को जो रात्रि भर आपके पास रहा, आपके समीप रहा, किंतु उसने आपका अहित नहीं किया। और महाराज, मेरी शंका विश्वास में और बदल गई जब अम्मा ने उस आदि मानव को पहचान लिया, जब हम उसे शिविर में लेकर आए। अर्थात आपकी अम्मा जी की उस आदि मानव से पहले ही भेंट हो चुकी है। केवल भेंट ही नहीं महाराज, आदि मानव तो अम्मा का बहुत अच्छा मित्र भी बन गया था। वो प्रतिदिन हमारे शिविर के बाहर अम्मा के लिए फल छोड़कर जाता था। इतने सारे फल हमारे शिविर के बाहर कौन रख के गया? अम्मा, ये इतने सारे फल कौन रख के गया? ये मेरे लिए है, अम्मा के लिए है। महाराज, अम्मा ने मुझे बताया कि जब हम सब रात्रि में सो जाते थे तब उनकी भेंट आदि मानव से हुई थी।
ये आदि मानव कोई नरभक्षी नहीं है, वो तो हमारी तरह एक साधारण सा मनुष्य है। हाँ, इस रहस्य का पता लगाना अभी शेष था कि वो वन में क्यों रहता है। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए मरीपट्टी गांव गया। वहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करने के पश्चात मुझे ये पता चला कि लगभग 20 वर्ष पहले गांव से एक नन्हा बालक वन में खो गया था, जो कभी लौट कर वापस नहीं आया। ये आदि मानव वही नन्हा बालक है महाराज। अर्थात ये आदि मानव जो है वो नरभक्षी नहीं है। जी महाराज। महाराज, मैं जब गांव पहुंचा तो मुझे एक रहस्य का और पता चला कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक स्वांग है, एक ढोंग है। ना गांव में कोई बाघ है, ना ही कोई नरभक्षी जो गांव वालों को परेशान कर रहा हो। गांव के आसपास दूर दूर तक कोई बाघ है ही नहीं जिसका आतंक हो। और फिर मुझे समझ में आया कि मनुष्य से बाघ बनने की ये जो मिथ्या कथाएं फैला रहा हो, उसे यदि ये ज्ञात हो जाए कि आदि मानव पकड़ा गया है तो वो यहां अवश्य आएगा। और ये यहां आए भी आदि मानव के कारण ही इनका ये सारा प्रपंच असफल हो गया। जब आप और हम सब आदि मानव का बाघ के रूप में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सब भी प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु पेड़ों के पीछे छुपकर। आपने आमंत्रित तो इन्हें भी किया था, परंतु ये उपस्थित नहीं हुए। ये छुपकर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे आदि मानव के पास पहुंचकर उसे समाप्त करने की। चलो कल चलो यहां से। और योजना अनुसार हमने आग प्रज्वलित कर दी। जी, जब अफरा तफरी मची तो मैंने जानबूझकर इनके मार्ग से सैनिकों को हटा दिया, ताकि ये आदि मानव को बचाने के लिए उसके निकट पहुंचे। और ये पहुंचे भी, परंतु इन्हें ज्ञात नहीं था कि मैंने महाराज और मंत्रीवर के साथ मिलकर इन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछाया हुआ है। ये आए और पकड़े गए। जी, जी, वो तो हम। लखन्ना जी, आप जब वन में थे तो हमारे सैनिक आप पर नजर रखे हुए थे। अब आपके पास केवल एक ही विकल्प शेष है कि आप महाराज के समक्ष स्वयं सब कुछ स्वीकार कर लें। अब आपका भेद सबके सामने स्पष्ट हो चुका है कि वन में ना ही कोई नरभक्षी है और ना ही कोई बाघ। ये लखन्ना, क्यों किया था आपने ये सब? महाराज जी, ये सच नहीं है। हम तो वो लखन्ना, असत्य बोलना घोर अपराध है। और आपको क्या लगा कि हम आपकी ये मनुष्य से बाघ में परिवर्तित होने वाली मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लेंगे? एक नरभक्षी बाघ को मारने के लिए हमारे स्वयं यहाँ आने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ये तो हम इस प्रपंच के पीछे का सत्य जानना चाहते थे, जो हमें पंडित रामकृष्ण से पता चला। लखन्ना, आप हमें बताइए कि आप सब उस आदि मानव का वध करना क्यों चाहते थे?